हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अलवा जा रहे हैं, हमको कुछ काम है तो दोनों जा रहे हैं। और हम बाइक से नहीं जा रहे हैं, आज बस से जा रहे हैं। क्योंकि क्या बोलते हैं, हम लोग बाइक से जाएंगे तो मतलब बाइक में बैठ करके जाओ फिराओ, कोई मतलब नहीं रहता बाहर घूमने का। तो हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा वॉक करेंगे, उसके बाद बस लेंगे और बस में जाएंगे। तो आगे मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। ये मेन रोड है यहाँ का, अभी हम लोग मेन रोड पर आ चुके हैं, लेकिन बस स्टॉप जो है थोड़ा सा आगे है। तो अभी हम लोग को बस स्टॉप तक चलकर जाना पड़ेगा, क्योंकि बस ऐसे कहीं तो नहीं रुक सकती। ये जो जगह है, ये केरला आयुर्वेद के नाम से जानते हैं इसको, मतलब यहाँ पे पूरा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो है बनता है। और ये मतलब हमारे घर के काफ़ी पास में ही है। और बस स्टॉप जो है थोड़ा सा ज़्यादा आगे पड़ रहा था, तो यहाँ पर भी एक छोटा सा बस स्टॉप जैसा बना है। तो फिलहाल हम लोग यहीं पे बस का वेट करते हैं। और बैठने के लिए कोई ख़ास व्यवस्था है नहीं यहाँ पे, क्योंकि बस यहाँ पे हर बार नहीं रुकती है। इसीलिए अभी हम लोग के बैठे बैठे ही 3-4 बस निकल गए, लेकिन हम लोग उन बस में नहीं गए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा था। और ख़तरा भी, कोविड का भी टला नहीं है, भले ही वैक्सीन लग गया है पर फिर भी थोड़ा सा डर लगता है। इसलिए हम लोग अभी भीड़ वाले बस में नहीं गए हैं, दूसरे बस का वेट कर रहे हैं। अभी एक बस आया लेकिन ये कहीं और जा रहा है, जहाँ हम जाएंगे वहाँ नहीं जा रहा है। और ये आ गई हमारी बस, अभी हम बस में बैठेंगे और अपना आगे का सफ़र शुरू करेंगे। तो फिलहाल हम बस में बैठ चुके हैं और ये देखिए कुछ ऐसा होता है यहाँ पे केरला में। बस जो है बिल्कुल मतलब खाली खाली सा तो है, क्योंकि भीड़ नहीं है और खिड़कियाँ भी पूरा खुला खुला सा है, कांच वाँच कुछ लगा नहीं है, दरवाज़ा भी नहीं लगा है, मतलब फुल एयर कंडीशनर बस है, मतलब बहुत अच्छे से हवा पानी आ जा रहा है। लेकिन हाँ, जब बारिश होता है तब थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो उसके लिए ऊपर में कुछ पर्दे जैसा लगा रखा है पॉलीथीन का, तो उसी से पूरे बस को जो है कवर कर देते हैं, मतलब साइड खिड़की को। और यहाँ के बसों में आगे का जो सीट्स होता है लेफ्ट राइट करके, वो सारे लेडीज़ के होते हैं, और पीछे के जो सीट्स होते हैं वो जेंट्स के होते हैं। और चाहे बस खाली रहे, मतलब लेडीज़ के सीट में जेंट्स के सीट पे लेडीज़ नहीं बैठते हैं। ये देखिए कितने सारे नारियल के पेड़ हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप घर से निकलो और आपको कहीं पे नारियल या केले के प्लांट ना दिखे। और यही तो हैं जो केरला की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। और ये देखिए, ये रहा पेरियार रिवर। अभी इन दिनों जो है यहाँ पर डैम को खोला गया है, इसलिए पानी काफ़ी भरा हुआ है इधर। पानी तो ऐसे भी यहाँ पर हमेशा भरा रहता है। और फिलहाल हम लोग अभी आ चुके हैं अलवा मेट्रो स्टेशन, मतलब ये बस स्टैंड ही है, यहीं पर हम लोग उतरते हैं हर बार जब भी आते हैं। और हम लोग को फिलहाल ढूंढना है एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप। और ऐसा होता है ना, कई बार मार्केट चाहे कितना भी बड़ा हो, कितने सारे दुकान हो, लेकिन जो दुकान जो शॉप हमें चाहिए होता है वही नहीं मिलता है। फिर एक्चुअली में एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप मिला और हमको कराना था अपना आयरन रिपेयर, लेकिन ये यहाँ पर जो आए तो इन्होंने बोला कि आज नहीं हो पाएगा, आपको प्रेस जो है 2 दिन के बाद मिलेगा। लेकिन हमारे पास फ़िलहाल एक ही प्रेस है, इसलिए हम लोग इतना वेट नहीं कर सकते हैं, कपड़े वगैरह डेली प्रेस करना रहता है। तो फिलहाल हम दूसरे दुकान जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर जो है अभी क्रिसमस आने वाला है, तो डेकोरेशन का जो भी सामान रहता है वो सब मार्केट में लगना स्टार्ट हो गया है यहाँ पर। और ये हम लोग तो मेट्रो के पास से बहुत आगे निकल गए थे इलेक्ट्रॉनिक शॉप ढूंढते, लेकिन जो शॉप है ये यहीं पर था। तो मतलब पूरा मार्केट और आगे से काफ़ी लॉन्ग हम लोग को घूम करके वापस यहीं पर आना पड़ा और फिर अपना रिपेयर कराना पड़ा आयरन को। यहाँ पे अभी हम लोग दूसरे दुकान में आए हुए हैं प्रेस ठीक कराने के लिए, और ये अंकल जी ने जो है तुरंत मतलब 2 मिनट में ही हमारा प्रेस ठीक कर दिया। पहले दुकान में जब गए थे तो उन्होंने जैसे बोला ना 2-3 दिन लगेंगे, तो हमें लगा मतलब डैमेज ही हो गया है। हमारा प्रेस बन गया, हमको लगा बहुत टाइम लगेगा लेकिन तुरंत बन गया 5 मिनट में, तो मैं बहुत खुश हूँ। और अभी अब आए ही हैं तो थोड़ा सा घूम लेते हैं, और ऐसा तो हो नहीं सकता मैं घर से बाहर निकलूँ और बिना खाए कुछ जाऊँ, तो अभी कुछ ना कुछ खाऊंगी मैं। अभी बस में जाने के लिए हैं तुझे पैसे? ना ना ना, ये मेरे से पैसे मांग रहे हैं, मैं नहीं जॉब करती, जॉब ये करते हैं लेकिन पैसे ये मुझसे मांगते हैं। बताओ सारा पैसे तुम्हारे पास?
अभी इवनिंग का टाइम चल रहा है और हर कोई जो है अपने घर जाने के लिए वेट कर रहा है बस का। ये बस स्टॉप है और यहाँ पे पास में ही हॉस्पिटल है। अच्छा है, बिल्कुल बस स्टॉप इसके सामने ही है, ताकि जैसे कई बार पेशेंट्स यदि बस में आते हैं हॉस्पिटल, तो उनको ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा, बस सीधे वो लोग हॉस्पिटल में जा सकते हैं। और अभी इवनिंग टाइम है इसलिए बहुत ही ज़्यादा मतलब अभी भीड़ चल रहा है, और सभी मतलब लेडीज़ लोग इस टाइम पर वर्किंग लोग और जो कॉलेज के स्टूडेंट रहते हैं सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा बस में काफ़ी भीड़ रहता है। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे पानी प्यास लगा है तो मैं गला अपना ठंडा कर रही हूँ। वैसे तो मैं घर से हमेशा बॉटल ले के निकलती हूँ, पर आज मैं बॉटल लाना भूल गई तो कोल्ड ड्रिंक से काम चलाना पड़ रहा है। मैं वैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मतलब बाहर का कुछ भी खा पी लेती हूँ तो मेरा गला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। यहाँ पे छोटा सा एक सुपरमार्केट है तो अभी हम लोग वहीं पर जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। मतलब शॉपिंग तो कुछ नहीं करना था, अभी दो दिन पहले ही मैं ग्रोसरीज़ वगैरह लेके आई थी, लेकिन घर जाने के लिए हमारे पास छुट्टे पैसे नहीं थे, इसलिए छुट्टे कराने के लिए यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि बस पे फ़ोन पे तो चल नहीं सकता इसीलिए। अभी हम लोग घर जा रहे हैं, इतना दूर आया लेकिन इन्होंने मुझे कुछ नहीं खिलाया। नारियल पानी नहीं पीना है। यहाँ पे हमें एक मूंगफली वाले अंकल मिले। वैसे तो मूंगफली मुझे नहीं खाना था, क्योंकि मूंगफली गरम और यहाँ का वेदर भी थोड़ा सा गरम रहता है तो नुकसान हो कर देता है, लेकिन जो अंकल थे मूंगफली वाले बहुत उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे हमको कि हम खरीदेंगे, तो फिर मैंने वहाँ से मूँगफली ले लिया 2 पैकेट, और जब घर जा कर खाई ना तो ऐसा लग रहा था और क्यों नहीं ले लिया, वो 2 भी मुझे कम पड़ गए थे। और ये देखिए यहाँ पे ना रास्ते में एक छोटा सा पेट हब पड़ा था, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बहुत ही अच्छे अच्छे चिड़िया कबूतर और मतलब जितने भी बर्ड आइटम रहते हैं वो सभी थे, और डॉगी कैट जो भी मतलब लेना हो सारे यहाँ पे मिल रहे थे। लेकिन अभी हम लोग को नहीं चाहिए था, लेकिन देखना था मुझे अंदर जाके मतलब क्या है कैसा है, इसलिए मैं अंदर गई थी देखने के लिए, और सच में अंदर जाके बहुत अच्छा लगा। एक्वेरियम्स मतलब मछलियाँ वगैरह भी थी अंदर खूब सारी कलरफुल, और ये रहा तोता पैरट, मलयालम में तोता को तत बोलते हैं। तो चलिए अंदर देखते हैं क्या कुछ है और क्या चीज़ आपको पसंद आता है। मुझे तो सारे चिड़िए बहुत पसंद आए थे, ये छोटे छोटे कबूतर के बच्चे हैं, और ये यहाँ पे रंग बिरंगी चिड़िया हैं। ये रहे मछली, मुझे तो नाम नहीं पता मछलियों का, लेकिन बहुत ही सुंदर है, और आगे जो है पूरा खाली रखा हुआ है। ये इधर बस हैं छोटे छोटे फिश वगैरह, ये छोटे वाले तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल मिर्ची के जैसे लग रहे हैं छोटे छोटे। और ये ऑरेंज वाले रहे, मतलब अभी ज़्यादातर खाली ही दिख रहा है एक्वेरियम्स वगैरह, बस किसी किसी में है मछली समुद्री मछली। और मेरे हस्बैंड वहाँ पे पूछ रहे थे डॉगी के लिए, उनको डॉगी चाहिए था। और ये रहे क्या पपीहा बुलबुल जो भी बोलते हैं, नाम भले ही नहीं पता लेकिन देखा तो मैंने इन सभी को पहले भी है, और ये शायद इनको नींद आ रहा है तो ये सो रहे हैं ये लोग अभी। और ये जो येलो वाला चिड़िया है ये 500 का पेयर मिल रहा था 2 ठो, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना, चिड़िया खरीदो फिर उसको अपने घर में पिंजरे में कैद करके रखो, यहाँ भी पिंजरे में ही है लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता कैद करना, इसलिए चिड़िया वगैरह नहीं लिया हम लोगों ने। और ये यहाँ पे कलरफुल, यहाँ पे बहुत सारे चिड़िया को मतलब एक ही बॉक्स में रखा हुआ है, पूरा कलरफुल है ये सारा। ये जो पक्षियाँ हैं जितने भी बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स एनिमल कोई भी हो, वो सब खुले में ही अच्छे लगते हैं, पिंजरे में कोई भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये भी पिंजरे में अच्छे नहीं लगते हैं, अगर ये खुले होते तो बहुत ही अच्छे लगते। और ये इस शॉप का नाम है पेट हब, हमने इनसे जो है यहाँ का कार्ड वगैरह भी ले लिया था, ताकि कभी अगर हमको कुछ चाहिए हो कैट या डॉग वगैरह तो हम इनसे कॉन्टैक्ट कर सकेंगे। बर्ड्स वगैरह तो नहीं लेंगे, पर हाँ डॉग और कैट्स वगैरह ले सकते हैं। और फाइनली हम लोग अभी वापस जा रहे हैं, ये है मेट्रो यहीं से बन के चलता है इसलिए यहीं पे आखिरी है। और अभी जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, अभी क्या मतलब यहाँ पे बहुत दिन में भी रात में भी मतलब रात में तो नहीं लेकिन दिन में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़। और ये जो सामने ब्रिज जैसा दिख रहा है हम लोग वहीं से होकर के जाएंगे, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो अभी हम लोग ऊपर जाएंगे मेट्रो के स्टेशन में, फिर वहाँ से क्रॉस करके हम लोग रोड के उस पार जाएंगे। और ये अभी हम लोग आ गए हैं मेट्रो स्टेशन के अंदर, लेकिन चूँकि हमको मेट्रो में ट्रैवल नहीं करना है इसलिए हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे नहीं जाएंगे, फर्स्ट फ्लोर से ही हमको क्रॉस करने को मिल जाएगा। और यहाँ पे हमने एस्केलेटर का यूज़ किया आने के लिए,
यहाँ पे हम लोगों ने कुछ शॉपिंग वगैरह तो किया नहीं था और ना ही कोई रेस्टोरेंट वगैरह कैफ़े वगैरह गए थे, लेकिन फिर भी हम लोग काफ़ी लेट घर वापस आए थे क्योंकि बस जो है बहुत ज़्यादा बस में भीड़ चल रहा था और हम लोग बस यही देख रहे थे कि ये बस निकले वो बस निकले तो जाएंगे, लेकिन सभी बस में बहुत भीड़ था इसलिए फिर फाइनली हमको एक बस में आना ही पड़ा। ये देखिए यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, अभी गाड़ियाँ कितने धीरे धीरे चल रही हैं। हम लोग भी जिस बस से गए थे तो वैसे तो यहाँ से हमारे घर का सफ़र जो है वो मात्र 5 मिनट का है, लेकिन हम लोग को आधे घंटे लग गया क्योंकि बस जो है बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चल रहा था और कई सारे सिग्नल्स पड़ रहे थे बीच में। और ये वही ब्रिज है जो मैंने आपको रोड में नीचे से दिखाया था। चारों तरफ से बस हॉर्न ही हॉर्न सुनाई दे रहा है, ज़ोर ज़ोर से लग रहा है, कान जैसे फट ही जाएगा। और ये ऊपर से देखने में बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है, ऐसा लग रहा है बस यहीं पर खड़े होकर के देखती रहूँ, लेकिन घर तो जाना है ना। और ये इनको बहुत अच्छे से सजाया गया है, मस्त छोटे छोटे पौधे और ये छोटे छोटे प्लांट, नाम अभी याद नहीं आ रहा है, ये सब लगा हुआ है यहाँ पे। फ्लावर्स भी हैं, शो पीस आइटम भी हैं। ये छोटे छोटे जितने भी पौधे हैं ना, फूल प्लांट्स वगैरह, बहुत ही मस्त लग रहा है, ऐसा लगता है सारा उठा के ले जाऊँ अपने घर। पर कैसे ले कर जाएँ, यहाँ पर तो CCTV कैमरा लगा है चारों तरफ। और यहाँ पे बैनर लगा हुआ है, इनमें बताया गया है कि हम कैसे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप से किस तरह से हम टिकट रिचार्ज कर सकते हैं, और ट्रैवलिंग को लेकर के कुछ गाइडलाइन भी दिए हैं जिनका हर यात्री को फॉलो करना रहता है। अब हम लोग वापस अपने घर जा रहे हैं और इधर अभी यहाँ पे लिफ्ट या एस्केलेटर वगैरह नहीं था तो सीढ़ियों से ही चलकर जा रहे हैं, और अच्छा है सीढ़ियों से चढ़ना उतरना सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और डेली के हिसाब से आज थोड़ा सा ज़्यादा वॉकआउट हो गया, लेकिन मुझे थकावट महसूस नहीं हो रही है क्योंकि मेरी आदत है टहलने की, मैं घर में भी अक्सर टहलते रहती हूँ इसलिए मैं बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं कर रही हूँ। और अभी हम लोग जाएंगे बस स्टैंड बस के लिए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, और यदि पसंद आया हो तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।